10 जिलों में आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान लगभग 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने वाली हैं। बादल भी छाए रहेंगे। गरज चमक के साथ हल्की बूंदाबांदी के भी आसार मौसम विभाग ने जाहिर किए हैं। मौसम में आए इस बदलाव के बाद भी गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद हालांकि कम है। प्रदेश में 5 जिले ऐसे हैं जहां पारा अभी भी 45 डिग्री से ऊपर चल रहा है, जिसमें सिरसा, रोहतक, हिसार, मेवात, महेंद्रगढ़ और जींद जिला शामिल है। मौसम विभाग का कहना है कि इन जिलों में पिछले 24 दिनों से हालात बेहद खराब हैं। आगे भी इन जिलों में गर्मी से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। बता दें कि हरियाणा में इस बार गर्मी को लेकर लू के सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। 3 दिन पहले ही प्रदेश में 42 साल का रिकॉर्ड तोड़कर नया रिकॉर्ड बनाया है। साल 1982 में लगातार 19 दिन लू चली थी, इस बार 23 दिन पार हो गए हैं। लू का प्रकोप लगातार जारी है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि हरियाणा में अभी ऐसे ही हालात बने रहने वाले हैं। मौसम में आए इस बदलाव की वजह से मौसम विशेषज्ञ भी चिंतित हैं। IMD के अनुसार प्रदेश के कई जिलों में बूंदाबांदी या हल्की बरसात होने से हालांकि थोड़ी बहुत राहत जरूर मिलेगी, लेकिन दिन के तापमान में ज्यादा गिरावट नहीं होगी। वैसे भी 5 दिन पहले एक्टिव हुए पश्चिमी विक्षोभ का असर अब खत्म हो चुका है, इस वजह से मौसम फिर से शुष्क बना रहेगा। इससे दिन के तापमान में फिर से बढ़ोतरी होगी। रात के तापमान में भी 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी होने की पूरी संभावनाएं हैं। मौसम विभाग का कहना है कि प्रदेश में 2 दिन बाद फिर से बदलाव के आसार हैं। अगले 2 दिन पश्चिमी विक्षोभ फिर से सक्रिय हो सकता है, इससे गर्मी से थोड़ी बहुत राहत आमजन को जरूर मिलेगी। लेकिन हरियाणा के 5 जिलों में गर्मी से राहत मिलने की कोई उम्मीद मौसम विभाग ने जाहिर नहीं की है।